पीपीटी जो शेयर किया है वो आपको विजिबल है? ठीक पीपीटी विजिबल है, आपको आंसर करिए। विजिबल है सर, दिख रहा है सर। ओके, ताकि वो चार्जिंग का पॉइंट हो। ठीक स्टार्टिंग विद द थर्ड मॉड्यूल, कंक्रीट वी विल बी स्टार्टिंग लेटर ऑन। थर्ड मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। ठीक है, सो ठीक है, सो मॉड्यूल नंबर 3, जस्ट अ मिनट, जस्ट जस्ट डबल सर, हमारे साथ 1, 2 और 6। हाँ, 1, 2, 6 आपने दे दिए, डिस्कस करूँगा। सो विल सी व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कवरिंग टुडे। ओके, आई एम ऑडिबल, जस्ट कंफर्म। यस सर। यस, ओके ओके। सो विल बी स्टार्टिंग विद डोर्स टुडे। वी ऑल नो व्हाट आर व्हाट इज डोर्स। सो these are the things we'll be covering: location of doors, where in a building where the doors should be located, what are the technical terms that we use, means different types of doors and different components of a doors, etc. Then sizes of doors, what should be the ideal size, and what are the various types of doors. Okay, so I have just kept a picture. You can see all of these are different, you can say, designs of road, sorry, doors. So these are wooden doors basically. So there are different types of doors. There are glass doors, there are metal doors. We'll see later on. So what is a door? In simple terms, it may be defined as a openable barrier secured in a wall opening. Okay, means it is a barrier which can be opened and closed. Okay, so and normally it is kept in a wall. So wherever there is a wall, we will be providing an opening. एंड दैट ओपनिंग इज कवर्ड यूजिंग अ डोर। ओके, मतलब कोई भी रूम हो या कोई भी बिल्डिंग का कंपोनेंट हो, जैसे पार्किंग है या टेरेस है, ठीक है, उसको वहाँ के जो वॉल्स हैं उसमें एज अ ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं हम डोर। एंड डोर हैज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी दैट इट कैन बी ओपन एंड क्लोज, और यू कैन से इट इज़ अ ओपनेबल बैरियर। ओके, टेक्निकल टर्म्स अगर यूज़ करें तो, एंड इट इज़ बेसिकली इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द रूम। एक्सेस टू द रूम मीन्स अ पर्सन कैन एंटर इन टू द रूम और एग्जिट फ्रॉम द रूम यूजिंग द डोर। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ इट कैन बी सेड एज अ कनेक्टिंग लिंक फॉर इंटरनल पोर्शंस टू द बिल्डिंग। मतलब जो मेन गेट होगा या जो मेन एंट्री पॉइंट होगा, वहाँ का जो डोर होगा दैट इज़ एक्टिंग एज अ कनेक्शन पॉइंट फॉर द एक्सटर्नल पार्ट्स, और यू कैन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द बिल्डिंग। ठीक है, सो देर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज अ डोर फ्रेम एंड सेकेंड इज द डोर शटर। ओके, सो दिस डायग्राम, ओके, इट इज वेरी, इट इज नॉट क्लियर हियर। ओके, सो डोर फ्रेम इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे डोर को फिक्स किया जाता है। ठीक है, सो डोर फ्रेम इज लाइक दिस, यू कैन सी द पीपीटी आई हैव शेयर्ड।
डोर फ्रेम इट इज रिटन. सो नॉर्मली इट इज मेड अप ऑफ वुड वुड ओनली. समटाइम्स इट इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट ऑल्सो. ओके समटाइम्स इट इज मेड अप ऑफ स्टोन्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोर दैट इज फिक्स टू इट. ओके एंड डोर शटर्स आर द एक्चुअल डोर्स जो हम ओपन क्लोज करते हैं. सो डोर शटर्स आर फिक्स्ड विद द डोर फ्रेम इन सच अ वे दैट इट कैन बी ओपन एंड क्लोज एंड लॉक्ड वेन एवर रिक्वायर्ड. ठीक है सो दैट इज द बेसिक. डोर शटर किसको बोलते हैं और डोर फ्रेम किसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे समझना है. ठीक है नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ डोर्स. सो वेन वेयर शुड द डोर्स बी केप्ट. डोर्स को कहाँ पे रखना है. सो देर आर सर्टन क्राइटेरियाज. ऐसा नहीं है कि वॉल है तो एक के बगल में एक डोर रखते ही जाएंगे. ठीक है सो द नंबर ऑफ डोर्स शुड बी केप्ट मिनिमम एज लार्ज नंबर ऑफ डोर्स कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंज्यूम मोर एरिया इन सर्कुलेशन. मतलब डोर हमने आगे डेफिनेशन में देखा दैट डोर इज एक्टिंग एज अ एंट्री एग्जिट पॉइंट. मतलब डोर होने की वजह से सर्कुलेशन हो रहा है. नाउ लेट्स से अगर एक रूम की बात करें तो रूम में अगर फोर वॉल्स है और चारों वॉल्स पे अगर आप डोर प्रोवाइड कर दोगे ठीक है तो चारों वॉल्स से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो. मतलब एक्सेसिव सर्कुलेशन हो जाएगा जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो जाएगा. अंडरस्टूड. ऑल्सो देर विल ऑलवेज बी अ कन्फ्यूजन दैट whether all the doors are properly locked or closed or not. Okay. And at the same time, जो room का जो purpose है मतलब for storage of something or it can be living space या फिर कुछ furniture construct किया है या कुछ store किया है cupboards रखे हैं तो उसके लिए आपको space घट जाएगा क्योंकि door जहाँ पर रखा है उसके just सामने आप कुछ दूसरी चीज़ें place नहीं कर सकते. ठीक है otherwise क्या है door open close नहीं हो पाएगा तो फिर उसका जो purpose है वो solve नहीं होगा. ठीक है so it increases the circulation area but it creates an obstruction for the internal space of the room. ठीक है so ideally एक room में एक ही entry exit होना चाहिए. ठीक है now it should meet the functional requirement of the building. मतलब depending upon the type of building it is. let's say अगर एक bank है तो उसमें number of doors का requirement अलग होगा. एक residential home है तो उसमें requirement अलग होगा. ओके कोई गोडाउन है या वेयर हाउस है तो उसमें नंबर ऑफ डोर्स कम होंगे. ठीक है अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें नंबर ऑफ डोर्स बहुत ज़्यादा होंगे सेम साइज ऑफ बिल्डिंग में भी बिकॉज देर विल बी मेनी कंपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स यू कैन से. ओके देर विल बी लाइक अ लेबोरेटरी देर विल बी इफ वी कंसिडर एज इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉस्पिटल तो क्या हो सकते हैं हॉस्पिटल में डिफरेंट कंपोनेंट्स. जनरल वार्ड होगा ICU होगा. ओके there will be special rooms or you can say individual rooms. there will be doctor's cabin. okay there will be a washroom or you can say the restrooms for patients. for doctors there will be different restrooms. okay there will be laboratory. ठीक है तो बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो गए और जिनको एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हॉस्पिटल एक ऐसा ओपन हॉल नहीं हो सकता जहाँ पे एक कॉर्नर में डॉक्टर बैठ रहा है दूसरे कॉर्नर में पेशेंट्स है और उनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है वैसे नहीं चलेगा. दैट वे इट कैन नॉट फंक्शन. ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग द नंबर ऑफ डोर्स रिक्वायर्ड विल चेंज. ओके दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे. ठीक है फिर इट शुड बी प्रेफरेबली एट द कॉर्नर एंड नॉट इन द सेंटर ऑफ द वॉल. ओके आपने आपके घर में भी देखा होगा डोर्स जो हैं वो नॉर्मली कॉर्नर पे होंगे. ठीक है कॉर्नर ऑफ द वॉल पे होंगे not at the center of the wall. ठीक है so that is a general practice. वो design point of view से और aesthetic points of view से और convenience point of view से sensible है कि आप center में नहीं रखो. ठीक है क्योंकि room के अंदर का जो space है वो let's say wall के just sorry door के adjacent जो wall है वो अगर आप किसी furniture में use कर रहे हो या cupboard use कर रहे हो. ठीक है तो अगर बीच में रखोगे तो दोनों साइड आधा आधा वॉल बचेगा तो जहाँ पे कुछ फर्नीचर अच्छे से आप सेट नहीं कर सकते. ठीक है नाउ कैप्ट जनरली 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द वॉल. एकदम कॉर्नर ऑफ द वॉल में भी नहीं रखेंगे बिकॉज एकदम कॉर्नर ऑफ द वॉल में जनरली कॉलम्स होंगे. कॉलम्स एंड बीम्स आई होप यू नो व्हाट इज कॉलम एंड बीम. आंसर करिए कोई व्हाट इज अ कॉलम एंड व्हाट इज अ बीम. चेक हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स. ऐसे पिलर जिसको हम लोग बोलते हैं वो कॉलम होता है और जो ऊपर जैसे प्लास्टर होता है जो सीलिंग. थोड़ा जोर से बोलिए व्होएवर इज स्पीकिंग मेहुल थोड़ा जोर से बोलिए.
कॉलम इज अ वर्टिकल पार्ट एंड बीम इज अ हॉरिजॉन्टल पार्ट ओके ऑफ द ठीक। स्ट्रक्चर। कॉलम्स एंड बीम्स आर बेसिकली स्ट्रक्चरल मेंबर्स, मतलब पूरे बिल्डिंग का जो लोड है, अगर अगर वो आरसीसी बिल्डिंग है तो कॉलम्स और बीम्स उसके स्ट्रक्चरल मेंबर्स है। आप सही बोल रहे हो कि कॉलम इज वर्टिकल एंड बीम इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर, ठीक है। बट कॉलम्स और बीम्स क्या करते हैं, पूरे बिल्डिंग का लोड वेट उठा के या लोड उठा के उसको फाउंडेशन पे ट्रांसफर करते हैं, जमीन में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली द पोजिशंस ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। वंस द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, आप कोई कॉलम को तोड़ नहीं सकते या बीम को तोड़ नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप कोई बीम या कॉलम को तोड़ोगे या तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा बिल्डिंग के, ठीक है। सो टू अवॉइड दैट नॉर्मली डोर्स आर केप्ट 20 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द वॉल, सो दैट अ कॉलम इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देर आर टू डोर्स इन अ रूम, इट शुड बी प्रिफरेबली लोकेटेड इन द अपोजिट वॉल्स टू इम्पार्ट गुड वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन, ठीक है। अगर कोई रूम ऐसा है जहाँ पे दो दो वॉल्स सॉरी दो डोर्स देने हैं आपको, ठीक है। लेट से इफ अ रूम इज लोकेटेड इन इन द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग एंड यू वॉन्ट टू एक्सेस फ्रॉम बोथ द एंड्स, ठीक है। दोनों दोनों एंड से अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो डोर्स का लोकेशन ऐसे होना चाहिए कि वो अपोजिट अपोजिट वॉल्स पे हो, ताकि ताकि क्या है, वो एयर सर्कुलेशन के लिए अच्छा हो जाए, ओके, एंड वेंटिलेशन अच्छा हो, ठीक है। सो साइज एंड नंबर ऑफ डोर्स डिपेंड्स अपॉन वेंटिलेशन, प्राइवेसी मीन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रूम, ओके, वेदर इट इज अ पर्सनल कैबिन और इट इज अ पब्लिक एरिया, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लासरूम है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे नॉर्मली दो डोर्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वेन एवर अ स्टूडेंट इज एंटरिंग इन द क्लास द एंटायर क्लास इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है। अगर आपने स्कूल्स में या आपने कॉलेज में देखा होगा, नॉर्मली दोनों एंड पे डोर्स होंगे, ताकि एक एंड पे अगर फैकल्टी एंटर हो चुके हैं या जो भी स्पीकर है वो एंटर हो चुके हैं और अपना टॉक डिलीवर कर रहे हैं, और बीच में से अगर कोई एंटर होना चाहता है तो वो उसके वजह से पूरा क्लास या पूरा गैदरिंग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द पर्पस। देन इज प्राइवेसी, मतलब लेट से अगर बेडरूम्स हैं तो बेडरूम्स में नॉर्मली एक ही एंट्री एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। या हॉस्पिटल में अगर कोई आपका रूम है या होटल में आपका कोई रूम है, सो उसमें एक ही एंट्री एग्जिट होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव मल्टीपल एंट्रीज बिकॉज इट विल अफेक्ट द प्राइवेसी देन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, मतलब वो पर्टिकुलर रूम का या वो स्पेस का लोकेशन कैसा है और वहाँ पे लाइट्स कितने होने चाहिए, आप कितनी लाइट्स चाहते हो वहाँ पे, ठीक है। सो ऑल दिस फैक्टर्स विल अफेक्ट द लोकेशन ऑफ डोर्स, ठीक है। नाउ देन विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ अ डोर, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया देर इज अ डोर फ्रेम एंड देन देर इज अ डोर शटर। सो इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी दिस दिस वन इज द आउटर वन इज कॉल्ड एज डोर फ्रेम, यहाँ पे लिखा भी है फ्रेम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो दूसरा इंटरनल पार्ट है दैट इज द डोर शटर, ठीक है। तो डोर शटर में अगेन देर विल बी डिफरेंट कंपोनेंट्स, लाइक देर विल बी रेल्स एंड पैनल्स। तो ये देखो, इसको आप टॉप रेल बोलोगे, जो इंटरमीडिएट होंगे उसको क्रॉस रेल्स बोलोगे, एंड जो नीचे होंगे उनको बॉटम रेल्स बोलोगे, और उनके बीच में जो सेक्शंस हैं उनको हम पैनल्स बोलते हैं। सो दिस आर पैनल्स, ओके। एंड वर्टिकल मेंबर सेपरेटिंग द पैनल्स विल बी कॉल्ड एज मुलियन, ओके। सो बिटवीन द पैनल्स इट विल बी मुलियन। सो दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। आवाज़ आ रहा है मेरा? यस सर आ रहा है। एंड दिस इज़ अ हैंडल एंड अलॉन्ग विद द हैंडल देर विल बी अ लॉक लॉक सेट या फिर लॉक अरेंजमेंट। इट कैन बी इंटरनल लॉकिंग ऑल्सो, इट कैन बी एक्सटर्नल सिंपल लॉकिंग ऑल्सो, ओके। सो दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल डोर, ओके। नॉट नेसेसरीली, अगर अभी अगर कोई ग्लास डोर होगा तो ये सारे चीज़ें नहीं होगी, एक सिंपल ग्लास का देर विल बी अ सिंगल ग्लास, ओके। सो दिस इज अ टिपिकल डोर। टिपिकल डोर इन द सेंस अ वुडन डोर यूज इन अ हाउस, ओके। सो दिस आर द डिफरेंट
components that we have already discussed. You can just read through the slide. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आगे वाले डायग्राम में वही कंपोनेंट्स हैं. आप लोग पढ़िए, यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड थ्रू द स्लाइड, और कुछ नहीं पता चल रहा है तो पूछिए. साउंड नहीं आ रहा. वो डायग्राम एक बार वापस शो कीजिए ना. हाँ ओके सर. Do you have any doubt regarding components of a door? Okay. Okay, head और seal मैं बताना भूल गया. जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा उसको हेड बोलते हैं, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रेम, और बॉटम मोस्ट पार्ट होगा उसको सील बोलते हैं, SIL. ठीक है, विंडोज़ में भी ऐसा ही होता है, विंडो हेड एंड विंडो सील. तो टॉप मोस्ट पार्ट शुड बी शुड एंश्योर दैट इट इज़ प्रॉपरली गेटिंग क्लोज्ड विद द फ्रेम. मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ गैप गैप नहीं रह जाना चाहिए. वो डोर हेड का मतलब काम है, और सील का काम ये है कि बॉटम में जो फ्लोरिंग होगा, बॉटम में जो फ्लोरिंग होगा उसके और बॉटम ऑफ द डोर में कुछ गैप नहीं रहना चाहिए. गैप इन द सेंस एकदम बारीक गैप होगा तो दैट इज़ ओके, बट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि कुछ इंसेक्ट्स या कुछ लिजर्ड्स या दूसरा कुछ अंदर एंटर कर सके. ठीक है, दैट इज़ हेड एंड सिल. वही सिमिलर है. नॉर्मली हम लोग जब भी डोर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वी इंश्योर दैट हेड लेवल एंड सिल लेवल इज प्रॉपर एंड इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द अदर पार्ट्स ऑफ द डोर, लाइक फ्रेम का अरेंजमेंट और फ्लोरिंग का हाइट देख के आपको डोर का जो शटर है उसको वो हिसाब से कट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस शटर्स आर कट, ये स्टैंडर्ड साइजेस में आते हैं. ठीक है, 4 फीट बाई 7 फीट, 4 फीट बाई 8 फीट के नॉर्मल स्टैंडर्ड साइजेस आते हैं, और आपका जो पर्टिकुलर ओपनिंग है उसमें फिट होने के लिए उसको कट करना पड़ेगा अगर वुडन फ्रेम है तो. ठीक है, तो उसको कट करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेड लेवल और सिल लेवल आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं काट दे रहे, अदरवाइज़ क्या है, एक बार आपने कट कर दिया तो फिर ये सिल लेवल में गैप रह जाएगा, या हेड लेवल पे एग्जैक्टली डोर फिट नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा गैप आ जाएगा. हेड लेवल पे क्या है, वो एग्जैक्ट आपके फ्रेम के अंदर फिट हो जाना चाहिए. यहाँ पे आप ये देख रहे हो फ्रेम में ऐसा ग्रूव जैसा बनता है, वो ग्रूव ग्रूव बनता है, मतलब वहाँ पे आके आपका जो शटर है वो अटक जाना चाहिए. ठीक है, तो वही हिसाब से आपको आपका शटर को कट करना है. ठीक है, सिमिलरली बॉटम में यहाँ पे फ्लोरिंग होगा, तो वो फ्लोरिंग से कंटिन्यूसली उसको टकराए नहीं, और एट द सेम टाइम वहाँ पे गैप नहीं रह जाए, अदरवाइज़ क्या है, कुछ पानी है तो पानी बाहर चला जाएगा, या बाहर से पानी अंदर आ जाएगा. ठीक है, या फिर कुछ इंसेक्ट्स आ जाएंगे वगैरह, तो उसके वजह से वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. होल्ड फास्ट मीन्स the handle that we use for opening and closing the door. ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए जो टेक्निकल टर्म्स है. कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए. सर व्हाट इज अ ट्रेंस्टॉक? हाँ सर ट्रेंस्टॉक. हाँ बोलिए. हेलो हेलो सर. हाँ पूछिए, क्या पूछना. भाटी ट्रेंसम
ट्रेंजम मतलब क्या है, मेनी अ टाइम्स क्या है कि देखो ये हमने शटर जो दिखाया है ना, कुछ अपने बैकग्राउंड में ऑडियो ऑफ करो। समटाइम्स इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, ये जो डोर है उसका सिंगल शटर नहीं होगा, यहाँ से वो डिवाइडेड होगा। दो पुराने घरों में आपको देखने मिलेंगे ऐसे, दो शटर वाले घर, दो शटर वाला डोर होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ से वर्टिकली और यहाँ बीच में उसका लॉक अरेंजमेंट होगा, ठीक है। सो इट इज़ हैविंग टू शटर्स। तो ऐसे जो डोर्स होते हैं, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेम एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड द शटर हॉरिजॉन्टली, ओके सॉरी, वर्टिकली है उसको मुलियन बोलेंगे। दिस इज मुलियन एंड दिस इज ट्रेंजोम। ये जो हॉरिजॉन्टल डिविजन है उसको ट्रेंजोम बोलेंगे, उसको लॉक रेल्स भी बोलते हैं, ट्रेंजोम भी बोलते हैं। अगर दो में डिवाइड करेगा तो उसको ट्रेंजोम बोलेंगे। मतलब कुछ डोर्स ऐसे होते हैं जो वर्टिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो तीन फ्रेम वाला है, ठीक है, थ्री पैनल्स वाला है। कुछ डोर्स ऐसे होंगे जो टू पैनल्स वाले होंगे, तो जहाँ पे सेंट्रली डिवाइड करता है उसको ट्रांसजोम बोलते हैं, और वर्टिकली जो हाफ में डिवाइड करता है उसको मुलियन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही है ना, हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट सब डिवाइड द शटर इंटू टू पार्ट्स, ठीक है। आई विल शेयर वन मोर पिक्चर दैट विल मेक थिंग्स क्लियर। यहाँ पे ठीक है, ये अलग टाइप का डोर है, बैटन डोर है, ठीक है। देन साइजेस ऑफ डोर्स, एक मिनट, टेक्निकल, ओके, साइजेस ऑफ डोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब आपके घर का जो मेन दरवाजा है और आपके बाथरूम का जो दरवाजा है वो सेम साइज का नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपके टेरेस में एंटर करने वाला जो डोर है या और आपका जो मेन एंट्री गेट है वो सेम साइज का नहीं होगा, तो इट इज़ ऑब्वियस के फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है उस पे साइज का, डोर का साइज डिपेंड करेगा, ठीक है। सो हाइट कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 1.8 to 2 meters, इट शुड नॉट बी लेस देन लिखा है, मतलब उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। मतलब अगर आप, आपका पब्लिक बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल है या कोई मल्टीप्लेक्स है या मॉल है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे नॉर्मली हाइट ज़्यादा होती है, ओके। 2 meters मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 feet, ठीक है। सिक्स ये तो बेयर मिनिमम है, 1.8 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब अगर छोटा सा रूम है, अगर बाथरूम में भी एंटर कर रहे हो तो भी डोर का हाइट इतना होना चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अबव द नॉर्मल हाइट ऑफ एन एवरेज पर्सन। मतलब एवरेज पर्सन का हाइट हम लोग 5'6" या 5'8" पकड़ के चलते हैं, तो ये 2 meter इज 6.5 meters एंड 1.8 meter इज अप्रॉक्सीमेटली 6 feet, ओके 6 feet। मतलब इससे कम हाइट होगा तो क्या है, एंट्री एग्जिट करते वक्त आपको वो सर में टकरा जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप कोई बड़े बिल्डिंग में जा रहे हो, मतलब पब्लिक बिल्डिंग में जा रहे हो या ऑफिसेज में जा रहे हो, तो नॉर्मली हाइट ज़्यादा होगा, 2.5 meters, 3 meters, कई केसेस में अगर मॉन्यूमेंटल टाइप बिल्डिंग है तो 4 meters तक भी हाइट होगा, ठीक है, पर इससे कम नहीं होना चाहिए, ओके। एंड देन विड्थ, विड्थ का क्या रूल है, तो विड्थ मिनिमम 0.4 to 0.6 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाइट होना चाहिए, वो थंब रूल है, ठीक है। सो ये दोनों थंब रूल है, हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ प्लस 1.2 meters। तो ये तो ठीक है, ये आप बुक में से पढ़ सकते हो। विड्थ इतना होना चाहिए कि दो लोग आमने सामने क्रॉस कर सके एट द सेम टाइम, ठीक है, विदाउट, और यू कैन से टू पर्सन्स कैन क्रॉस ईच अदर शोल्डर टू शोल्डर, वो टकराए नहीं, उतना विड्थ होना चाहिए, ठीक है। स्टिल इट इज, इट डिपेंड्स, अगर बाथरूम का या ऐसे कोई प्राइवेट स्पेस का अगर रूम है विद इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो उसका विड्थ कम होगा, सो दिस आर द जनरली अडोप्टेड साइजेस। मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस में क्या साइजेस हैं, तो ये है एक्सटर्नल डोर का, यू कैन सी 1 meter by 2 meter और 1.2 meter by 2 meter। तो व्हाट इज 1 meter, 1 meter इज द विड्थ एंड 2 meter इज द हाइट, ठीक है। इंटरनल डोर्स थोड़े पतले होंगे या विड्थ कम होगा ऐसा बोल सकते हैं,
ठीक है, बेडरूम एंड डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी इज द टॉयलेट और यू कैन से वाटर क्लोजेट उसका फुल फॉर्म है। तो टॉयलेट्स को हम लोग डब्ल्यूसी बोलते हैं। उसके डोर्स देखो आप, उसका विड्थ है 0.7 मीटर्स, ठीक है। मेन गेट का 1.2 मीटर या 1 मीटर होगा, मतलब टॉयलेट या बाथरूम का जो दरवाजा होगा उसकी विड्थ कम होगी, हाइट कम नहीं होगी, अंडरस्टूड। हाइट तो मिनिमम आपको 2 मीटर्स रखना ही है। और गैराज है अगर आपके घर में, अगर आप व्हीकल पार्क कर रहे हो या गैराज है, तो उसका डोर बड़ा होना चाहिए, विड्थ उसका ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्या रीज़न है विड्थ ज़्यादा होने के लिए? तो वहाँ से व्हीकल बाहर निकालना है आपको, कार बाहर निकालनी है पार्किंग में से। तो नॉर्मल अगर डोर जितना विड्थ है 1.2 मीटर, तो वहाँ से तो आपका कार निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके वजह से डिपेंड करता है कि वो कार का विड्थ कितना है, उससे ज़्यादा होना चाहिए आपके डोर का विड्थ, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द साइजेज ऑफ डोर्स, ओके। देन अगेन डोर्स फॉर स्कूल, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज, तो वहाँ पे मैंने बोला था कुछ केसेस में आपका हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा। सी यू कैन सी द हाइट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट इज़ मोर देन 2 मीटर्स, ओके, एंड विड्थ इज 1.2 मीटर्स, ठीक है। तो दिस विल अगेन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ हॉस्पिटल, साइज ऑफ स्कूल एंड साइज ऑफ लाइब्रेरी। अगर वो लाइब्रेरी का मेन एंट्री गेट है तो इससे भी बड़ा हो सकता है। दिस साइजेज आर द बेयर मिनिमम साइज, मतलब इससे कम नहीं रख सकते हो, बड़ा रख सकते हो आप, ओके। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर मिनिमम, बॉटम लिमिट है या अपर लिमिट नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डोर्स, विच इज़ अ बिग टॉपिक, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डोर्स हैं। सो आई थिंक फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट टुमारो, इन द नेक्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ डोर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इतना जितना हम लोग ने पढ़ा है डोर्स के बारे में, उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो पूछिए पहले तो। मैं ये पूछ रहा था हाँ कि जो अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल का, स्कूल का और जो बाकी सब जगहों का जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे डोर का, तो सर जैसे अभी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग इतना फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इसमें चेंजेस हो सकता है? मतलब कि अब जैसे हम लोग स्टैंडर्ड रखते थे, तो उसमें भी अभी बढ़ा दें, मतलब कि और मतलब कर दें कि एक साथ एंट्री के लिए विद सोशल डिस्टेंसिंग, नहीं, बट तो ये दिस हो इज सकता है कि मतलब नहीं, मैं लेट मी क्लियर योर डाउट। ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये जो साइजेस दिखाए हैं, दिस इज द बेयर मिनिमम, ठीक है। अगर आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओगे तो आपको इससे बड़ा ही डोर दिखेगा, इससे छोटा नहीं दिखेगा इन एनी केस, ठीक है। एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज, सी डोर्स आर ओनली फॉर एंट्री एंड एग्जिट, अ पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टैंड एट द डोर इटसेल्फ, वो बंदा कोई डोर पे ही नहीं खड़े रहने वाला है। योर पॉइंट इज वैलिड कि सोशल सोशल डिस्टेंसिंग में अगर ज़्यादा लोग एंटर करना चाहते हैं तो डोर का विड्थ ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। बट ये तो मिनिमम साइजेस हैं, ओके। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे या बड़े स्कूल में जाओगे तो आपको डोर के साइजेस इससे बड़े ही मिलेंगे, ठीक। वही मैं बोल रहा था। तो सर इसमें मतलब चेंजेस भी हो सकता है ना, मतलब हो सकते कि हैं ये वो, जो स्टैंडर्ड है वही, बस सी इतना ही पूछ रहा था और कुछ दिस नहीं। इज, दिस इज लाइक, दिस साइजेस इज लाइक पासिंग मार्क, ठीक है। पासिंग मार्क अगर 35 है तो इसका मतलब नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को 35 ही लाने, अंडरस्टूड। 35 से कम नहीं लाने, उसके जैसा है। तो डोर साइज इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर वीडियोस, आई विल टेक एन अटेंडेंस क्विकली। सब लोग अपने वीडियोस स्विच ऑन कर लीजिए। देर आर 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 11 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ 13, विच इज वेरी गुड। सब लोग अपने वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए सो दैट आई कैन रिकॉर्ड द अटेंडेंस। स्टूडेंट्स के वीडियो अभी भी ऑन नहीं है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। नीतीश एंड मनाली, आपके वीडियो स्विच ऑन करिए।
फाइन।